बरेली में पुलिस चौकी के अंदर घुसकर गोली चलाने वाले गुंडे पुलिस के हाथों से ज्यादा नहीं भाग सके। रात में चौकी पर फायरिंग कर भागे अपराधियों को पुलिस टीमों ने सुबह होते होते घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चली। फायरिंग में बाइक सवार दो बदमाश पुलिस की गोली का निशाना बनकर गिर पड़े। पैर में गोली लगते ही पुलिस ने दोनों अपराधियों को दबोच लिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान यशपाल और विकास के रूप में हुई है। उनको इलाज के लिए बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली कैंट की नकटिया पुलिस चौकी पर बाइक सवार बदमाशों ने शुक्रवार रात फायरिंग कर पुलिस में हड़कंप मचा दिया था। अफसरों के मुताबिक बाइक से चौकी पहुंचे दो लोग शराब के नशे में प्रतीत हो रहे थे। नशे में होने को लेकर वहां तैनात सिपाही ने डांटा तो एक ने फायरिंग कर दी। अलमारी से टकराकर गोली चौकी पर तैनात सिपाही विशाल शर्मा के शरीर को छूती हुई निकल गई थी। पुलिस चौकी में घुसकर फायरिंग की घटना ने अफसरों को टेंशन में ला दिया था। इलाके में दहशत का माहौल भी बन गया था। बाइक सवार दोनों बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस तेजी से कार्रवाई में जुट गई। एडीजी जोन बरेली राजकुमार और एसएसपी अखिलेश चौरसिया ने मौके पर पहुंचकर कई थानों की फोर्स को बदमाशों की तलाश में रास्ते ही जुटा रखा था। चेकिंग अभियान में तड़के पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने देहात को जाने वाले लिंक रोड पर दोनों अपराधियों को घेर लिया। देखते ही बदमाशों ने फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगने के बाद दोनों बदमाश गिर पड़े। अफसरों ने बताया कि घायल बदमाशों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस उनका इतिहास खंगालने में जुटी है। आज थाना कैंट के अंतर्गत चौकी नकटिया में हुई फायरिंग के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी टीमों को लगाया गया था चेकिंग के लिए, जिसके क्रम में सभी चेकिंग सभी पॉइंटों पर की जा रही थी। चौकी इंचार्ज नकटिया को जब जो सेक्टर थ्रिया पर चेकिंग करा रहे थे, दो बाइक सवार आते हुए दिखे। जब रोकने का प्रयास किया गया, उन्होंने तेजी से बाइक पालपुर कमारपुर होते हुए फरीदपुर रोड से क्यारा की तरफ जाने के लिए भगाई। इसकी सूचना उन्होंने वहाँ पर पहले से जो फोर्स चेकिंग कर रही थी वहाँ पर दे दी कैंट थानाध्यक्ष को, और वहाँ पर जो फोर्स मौजूद था और सीमावर्ती जो थानों के फोर्स था उन्होंने वहाँ पर घेराबंदी कर रखी थी। और जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुके नहीं और उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करी। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी जवाबी सुरक्षा में उन पर फायर किया, जिसके क्रम में हमारा एक आरक्षी आमिर घायल हो गया और साथ ही जो दो संदिग्ध थे वो भी घायल हो गए। उन्हें जो है निकट ही चिकित्सा के लिए प्राथमिक चिकित्सा के लिए सीएससी 11 भेजा जा रहा है, और इनकी पहचान विकास और यशपाल के रूप में हुई है, जो कि आज नकटिया चौकी अंतर्गत जो फायरिंग हुई है सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे आए हैं उनसे इनका मिलान किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।